उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की मौत के मामले में विपक्षी दलों ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की मौत से गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा में शनिवार को विधानसभा और बीजेपी मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। पहले इन कार्यकर्ताओं ने भाजपा मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया और उसके बाद कार्यकर्ता गेट के सामने बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां भी भांजी। उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन भी हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मंत्रियों का घेराव किया है। इस बीच लखनऊ में पुलिस के खिलाफ लोगों के बीच झड़प हो रही है। लखनऊ में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस इन पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश कर रही है। वहीं पुलिस के हटाने पर कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा के सामने पहुंच गए और वहां सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर बिगड़ती कानून व्यवस्था व बेटियों का साथ हो रहे अत्याचार को रोक ना पाने का आरोप लगाया है। प्रदर्शन में महिला कार्यकर्ता भी शामिल हुई। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व सीएम अखिलेश यादव उन्नाव केस के विरोध में विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे थे। अखिलेश ने कहा कि बेटे को नहीं बचा पाए, हम शर्मिंदा है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूपी की बेटी की जान गई है, इसके लिए सरकार ही दोषी है। यह सब सरकार की जानकारी में था। जिन पर आरोप लगे हैं वो भाजपा से जुड़े हुए हैं, इसलिए उसको न्याय नहीं मिला है। देश की बहादुर बेटी को हम बचा नहीं पाए, इसके लिए हम सब शर्मिंदा है। अखिलेश के साथ उत्तर प्रदेश की सपा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और सपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी भी विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के धरने पर बैठने से पहले प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। इसी बीच विधानसभा के आसपास सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता कर दी गई है। घटना के विरोध में शनिवार को कांग्रेस ने भाजपा मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पहले मेन गेट पर प्रदर्शन किया। पुलिस के रोकने पर कार्यकर्ता गेट के सामने बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को जबरन हटाया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा के सामने पहुंच गए और सड़क पर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्नाव रेप पीड़िता को जिंदा जला देने से मौत होने के बाद सियासत गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विधानसभा के सामने धरने पर बैठ गए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के सामने जमकर नारेबाजी की। इसी बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के प्रदेश कार्यालय के मेन गेट पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारी को नियंत्रित करने के लिए पुलिस का बल प्रयोग करना पड़ रहा है। बसपा प्रमुख मायावती राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। मायावती ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर उन्हें उन्नाव कांड और प्रदेश में महिला उत्पीड़न को लेकर ज्ञापन दिया है। पत्रकारों से बातचीत में बसपा प्रमुख ने बताया कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के बीच कानून का डर नहीं है, बलात्कार की घटनाएं अब आम हैं। राज्यपाल से मैंने कहा है कि आप महिला हैं, दूसरी महिला के दर्द को समझती हैं। प्रदेश में महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर आपको दखल देना हो चाहिए। यूपी सरकार ज्यादा गंभीर नहीं दिख रही है। Come on!
मेरे साथ मार्च में जब से घटना घटी है तब से मैं मेरी पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई है और आपके सारे मीडिया वाले चैनलों पर पार्लियामेंट में होते हुए यहाँ की स्थिति के बारे में अपना स्टेटमेंट देता रहा हूँ। आज हम चलो मुख्यमंत्री के आदेश से यहाँ पर आए हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ तो होगी जो 5 अरेस्ट किए गए हैं। अगर कोई और भी बदतमीजी करने का प्रयास होगा हम लोग उन्हें सामूहिक रूप से मंत्री जी ने और हमने डीएमएसपी को निर्देशित किया है उसे भी अरेस्ट किया जाए, उसके भी खिलाफ कार्रवाई की जाए, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, उन्नाव का नाम सारे देश में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ था, उस उन्नाव के नाम को बदनाम करने का काम किया गया है, ऐसे लोगों को क्षमा नहीं किया। सफदरजंग के डॉक्टरों की कोशिश के बाद भी उसकी जान नहीं बच पाई। ये हमारे लिए जो आज के समय पर हम जो लोग समाज में रह रहे हैं हमारे के लिए ये काला दिवस है कि एक बेटी जो न्याय मांग रही थी हमसे न्याय नहीं दे पा रहे। और ये उत्तर प्रदेश की और इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली घटना नहीं है। याद कीजिए वो समय जब मुख्यमंत्री आवास के सामने बेटी आकर करके अपने लिए न्याय मांग रही थी, न्याय नहीं मिला उसको, उसे आत्मदाह करने की कोशिश करनी पड़ी, तब जाकर के FIR लिखी गई। और याद करिए वो घटना जब बाराबंकी की बेटी यहीं पर आई थी मुख्यमंत्री आवास में, उसने भी आत्मदाह किया और बाद में उसकी जान नहीं बची। उन्नाव की बेटी उसने एक ने तो पूरा परिवार खो दिया। कौन दोषी था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी थी। और ये भी बेटी जिसकी जान गई है आज उसके भी दोषी कोई है तो सरकार, क्योंकि सरकार की जानकारी में था। और जिन लोगों पर आरोप लगे हैं, जिन पर आरोप हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, इसीलिए उन्हें न्याय नहीं मिल रहा था बेटी को। आज के युग में इस तरह की घटना होगी कि जिंदा जला देगा कोई? और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले दिन से दावा कर रही है कि कानून व्यवस्था ठीक होगा, कानून व्यवस्था पे लगाम कसी जाएगी। क्या आपने मुख्यमंत्री की भाषा नहीं सुनी? इसी सदन में उन्होंने कहा था, इसी सदन में, कि अपराधियों को ठोक दिया जाएगा, जो अपराध करेंगे वो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले गए, छोड़ के भाग गए। लेकिन क्या वजह है, क्या वजह है, क्या कारण है कि अपराधी यहीं पर हैं? जो बात सदन में कही गई हो, जो बात मंचों से कही गई हो, और उस मुख्यमंत्री ने कहा हो जिन्होंने शपथ ली हो संविधान की, और बताओ संविधान की शपथ के बाद एक बेटी की जान नहीं बचा पाई सरकार? किस मंच पे नहीं सरकार ने कहा कि हम बेटियों की इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो है ना, बेटियां सुरक्षित हैं ना उनका सम्मान सुरक्षित से सड़क पर है। और अगर कहीं न्याय भी मांगने जाएं या सुरक्षा की वार करें तो उन्हें न्याय और सम्मान और सुरक्षा नहीं मिल रही है। क्या यही भारतीय जनता पार्टी का नारा था? हम तो जानना चाहते प्रदेश सरकार, और कई बार कहा मैंने आपके सामने, न जाने कितनी बार मैंने कहा होगा कि देश के राष्ट्रपति इस प्रदेश ने दिए हैं, देश को 2 बार प्रधानमंत्री इस प्रदेश ने दिया है। अगर देश को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से ही बनी है, पिछली बार भी उत्तर प्रदेश से बनी थी, इस बार भी उत्तर प्रदेश से बनी, और बताओ उत्तर प्रदेश की बेटियों की ये हालत? ये जब तक सरकार नहीं जाएगी तब तक उत्तर प्रदेश को न्याय नहीं मिल सकता। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।